मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और कानून मंत्री पीसी शर्मा ने अयोध्या फैसले पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को धन्यवाद जताया है। उन्होंने कहा कि सीएम कमलनाथ पूरे मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटवाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करती है। बीडीए अध्यक्ष रहते उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की इस प्रतिमा को रखवाया था, जबकि बीजेपी के महापौर ने प्रतिमा को हटवाया था। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी अपने एक भी ऐसे नेता का नाम बताए जिसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया हो। मैं समझता हूँ कि 15 साल में फर्जी वाड़े के अलावा कुछ हुआ नहीं। आज जो है खबर कि संबल योजना में 75 लाख से ज़्यादा लोग, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पेश प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेता थे, इनकम टैक्स पे ही थे, इन्होंने इसका फ़ायदा लिया संबल का, और गरीब लोग उनको नहीं मिल पाया, और आज इसीलिए उनके बिल आ रहे हैं बड़े बड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं, जो बिल बड़े बड़े आज भी आ रहे हैं, और 7000 करोड़ रुपए का घोटाला किया ये लोग ले गए, इनसे FIR करके वापस लिया जाएगा। ये जो बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय के महापुरुषों की, तो इनको अधिकार नहीं है पहली बार, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में इनने भाग नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नाम बता दे कि ये उस समय अंग्रेजों के जमाने में जेल में गए हों, और इनके किसी भी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। रही बात मूर्ति की, चंद्रशेखर आजाद की, उस जगह पे हमने लगाई थी जब मैं BDA का अध्यक्ष था। BJP की सरकार, शिवराज सिंह चौहान ने उसको हटा दिया, वहाँ से दूसरी जगह रख दिया, और वो जगह हो गई हमारे लिए पुण्य, क्योंकि वहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाबा अंबेडकर, ये सब तो थे ही, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर ये भी जेल गए और अपनी जान दी। तो हमारे लिए तो वो ज़मीन जहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई है, ये एक ऐसी माटी है कि हम लोग तो तिलक करते हैं उसको, लेकिन उस जगह से इनने हटा के उनको एक तरफ कर दिया, अपमान इनने किया। फिर BJP का महापौर है वहाँ पर, क्या कर रहे थे इतने दिन से? सेक्सोफोन लगा दिया था उन्होंने। इतने दिन से सेक्सोफोन लगा सकते हैं, लेकिन अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और चंद्रशेखर आजाद की जो जगह है भावरा है, वहाँ पर उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ स्मारक और सब चीज़ें हुई वहाँ पर, उस गांव के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में विकास किया, और मैं वो एक अनन्य भक्त थे चंद्रशेखर आज़ाद के।